thank you so much for joining. Everybody who's joining here on 3030 STEM, the goal is to bring back that joy in learning. किसी तरह से गणित और विज्ञान में जिंदगी का तड़का और किसी तरह से गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने हम लेकर आने की कोशिश करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. पूरे देश के जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये साल या पिछला साल थोड़ा सा गड़बड़ बीता, लेकिन जितने भी टीचर्स, जितने भी बच्चे हैं, सभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं कि किस तरह से ये प्रोग्राम है जो आसपास की हमारी जिंदगी से जुड़े हुए विज्ञान और गणित को उद्घाटित करने की कोशिश करता है. ब्यूटी, मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मैथ दैट इज ऑल अराउंड अस, सो दैट यू कैन फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम. सो आज का मेरा नाम, ऑफकोर्स लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज मनीष जैन. आई एम कॉलिंग फ्रॉम IIT गांधीनगर, विच इज दिस प्लेस यू सी राइट नेक्स्ट टू साबरमती रिवर. ये हमारी छोटी सी लैब है जहाँ पर द लैब इज कॉल्ड सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग. द गोल इज टू ब्रिंग बैक द ग्लीम, आंखों की चमक वापस आ जाए. ये हमारी लैब है और पिछले हफ्ते हम लोगों ने कैंडल पर कुछ प्रोग्राम करा, हमारे जय भाई ने. उसके पहले हम लोगों ने पाई करे ऊपर. और अगर मैं 2 मिनट लगाकर फीडबैक पढ़ूं पिछले हफ्ते के, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीडबैक आया वाल्मीकि मौर्या का, जो कहते हैं कि बर्निंग कैंडल हैज सो मच साइंस, इनको पता नहीं थी. और किसी और ने कहा कि आज मान गए जय भाई, अक्सर मनीष रेस्पेक्टफुली आपका नाम लेते थे, एंड ईच मेंबर ऑफ यू एंड योर टीम, एंड आई थिंक आई विल टेक दिस मोमेंट टू थैंक एवरी सिंगल हमारे साथी लोग जो पिछले पूरे हफ्ते लगकर इस बार हमने जो ये प्रोग्राम लाने की आपके सामने कोशिश करी. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम. पिछले हफ्ते एक जने ने और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भेजा, जब हमने पूछा था कि भाई मोमबत्ती में बीच वाली मोमबत्ती बुझाकर देखिए, तो एक नाम भूल गया मैं, शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि जो दो साइड की मोमबत्ती, शुभम शर्मा, जो साइड की दो मोमबत्ती हैं वो माँ बाप और टीचर की तरह मान सकते हैं, और बीच के जो मोमबत्ती है वो बच्चे की, और बच्चे की मोमबत्ती जब कभी बुझे, एनर्जी कम हो, तो ये साइड की जो मोमबत्तियां हैं ये पेरेंट्स हैं, और जो ये टीचर्स हैं इस मोमबत्ती को वापस अपने आप जला देने की कोशिश करते हैं. आई थिंक समवेयर दैट इज द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम, सो दैट ऑल पेरेंट्स, टीचर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी जॉइन एंड एंजॉय द साइंस दैट इज ऑल अराउंड अस. सो वेलकम अगेन, एंड लाइक आई सेड, बहुत बहुत सुंदर ये शिव कुमार का एक मैसेज मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो कहते हैं कि बड़ा जोश और जुनून से भर जाता हूँ, और 14 मार्च को आपका इंतजार रहेगा. आज 21 मार्च है, 14 मार्च को जो पाई वाला है उसके ऊपर इंतजार रहेगा. सो थैंक यू सो मच शिव कुमार जी. और मैं आपको जैसे कह रहा था कि हर बार एक बढ़िया खिलौना भी हर बार दिखाया करेंगे, इस बार हमने सोचा कि एक सुंदर खिलौना आपको दिखा देते हैं. ये देखिए ये वाला, और ये खिलौना हम लोगों ने पिछले हफ्ते ही बनाया है. हाथ में जो आप गेंद देख रहे हैं, ये 12 60 और 60 गत्ते के पीसेस को जोड़कर 3 फीट की गेंद बनाई है. और अगर आप सभी को, किसी को भी इंटरेस्ट हो और आप ये बनाना चाहें, खुद 1 घंटा लगता है बनाने में, सेंड अस एन ईमेल @cli@iitgn.ac.in. और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ यही है कि इस तरह की चीजें हमारे स्कूलों में, हमारे समाज में, हमारे घरों में बनने लग जाए. 60-60 डंडियों से लेकर ये जो कैन बनाई थी. विद दैट आई थिंक टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. लेट मी टेक दिस पिक्चर ऑफ माय कॉलीग सरिता, हु इज होल्डिंग दिस बॉल. हाथ इनके हाथों में एक बहुत मोटी बॉल है, और पीछे सूरज छिपता हुआ दिखाई दे रहा है. IIT गांधीनगर की तस्वीर है. आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमने सोचा आपके सामने करें, और पिछले लगभग season 1 से ही हम सोच रहे थे कि आज कभी इसके ऊपर बात करने का मौका मिलेगा. आज हम कीड़ों के ऊपर बात करने वाले, ऐसे क्षुद्र निरीह स्मॉल घिनौनी जीव हैं जिनको हमको लगता है इनको हटाएं, खत्म करें, बर्बाद करें, फ्लिट की लगा के इनको हटाएं. इनके ऊपर, इनकी रोचक जिंदगी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस तरह से ये छोटे जीव हमारी जिंदगी में किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, और छोटों जीवों की तरफ किस तरह हमारी दृष्टि व्यापक और उजागर हो जाए, यही कहीं ना कहीं 3030 का उद्देश्य है. पिछला साल भी जो हमारा बीता लॉकडाउन में, उसने कहीं ना कहीं यही बताया कि ये छोटा सा जीव जो वायरस है, पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पर रख दिया. सब लोग घर में बंद हो गए, भयावह तरीके से पूरा साल बीता. छोटा सा जानवर, छोटे छोटे, हमारी निगाह जब तक इन छोटी चीजों के ऊपर जाएगी और किस तरह से हमारी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है.
बचपन की कहानी है, शायद आप लोगों के साथ भी गुजरी हो, बचपन की जो 30 साल पहले की बात कर सकते हैं, बचपन की छुट्टियों में हम अक्सर दिल्ली दिल्ली से जयपुर जाया करते थे, और जब दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो रात की बस पकड़ते थे, और रात की बस में अगर रात को 10 बजे बैठे उस समय गर्मियों की छुट्टियों में माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को विदा कर देते थे कि जाओ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो हम दिल्ली से बैठे जयपुर पहुंचे, रस्ते में जो बस है वो 2-3 बार रुकती थी, क्यों? क्योंकि उसकी विंडस्क्रीन पर पूरे सपाट कीड़े ही कीड़े भर जाते थे, और ड्राइवर के साथ जो क्लीनर जाता था उसको विंडस्क्रीन साफ करनी पड़ती थी। मुझे मालूम नहीं आपने नोटिस करा कि नहीं, मुझे तो याद है। आज की तारीख में आप जाकर बस में सफर करिए, आप अपनी कार में सफर करिए, आप 12 घंटे गाड़ी चला दीजिए, आपको विंडस्क्रीन साफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को देखने का और इस बात के इस छोटे से इवेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और मैं आपको इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि 2017 में ही एक साधारण से हाई स्कूल टीचर ने डेनमार्क में यही बात पढ़ी, यही बात को देखा, और वो देखकर रुका नहीं, वहां पर वापस आकर उसने अपनी कम्युनिटी में, अपने समाज, स्कूल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी, सिटी में पूरी एक मुहिम खड़ी कर दी, लेट्स डू द इंसेक्ट सेंसस, ये कीड़े अब क्यों कम दिखाई देते हैं। पूरा उनका जो शहर है, उनका नाम सनी बोए है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च उन्होंने 2017 में करी, पूरा उनका शहर लग गया। और उन्होंने जब रिसर्च करी तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके, बहुत बहुत ही जमीन हिला देने वाले उनके नतीजे निकले। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ये छोटा सा, जब उन्होंने ये चीज देखी कि किस तरह से हमारी विंडस्क्रीन पर कीड़े नहीं आ रहे और पूरा समाज उनका लग गया, तब उन्होंने जो जो रिसर्च करी और नतीजे निकाले, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बट यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने वो नतीजे दुनिया के सबसे उत्कृष्ट साइंस के जर्नल नेचर में पब्लिश करा, और गर्व की बात यह है कि वो हाई स्कूल टीचर का पेपर 2017 का 6th most या 3rd most साइटेड या रेड पेपर था। तो कहीं ना कहीं ये जो भाव हमें आ जाता है कि रिसर्च तो कोट पहनने चाहिए और बाल नहीं होने चाहिए और घुंघराले बाल आइंस्टाइन की तरह होने चाहिए, नहीं, कोई साधारण से साधारण भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, हमारे बच्चे आसपास के वातावरण की रिसर्च करके पब्लिश कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन छोटी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाना लाजमी है। मैं उनकी रिसर्च के नतीजे आपको दिखाता हूं, उसके पहले मैं ये दिखाता हूं, ये एंड दिस उनकी रिसर्च इज पॉइंटिंग, ये विंडस्क्रीन की फोटो है, उनकी रिसर्च इज पॉइंटिंग टू दिस इंसेक्ट एपोकलिप्स, मतलब जो हमारे कीड़े हैं किसी तरह से गायब हो रहे हैं, और ये संग्राम बिल्कुल चल रहा है, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और ये उनके नतीजे थे, उनका कहना, उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि पिछले 30 साल में 80% कीड़े नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं। 40% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज आर डिक्लाइनिंग, और 1/3 तो एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स आज हम किनकी चर्चा कर रहे हैं, हम कीड़ों की चर्चा कर रहे हैं, और ये हमें पता हो क्यों, लगते हैं छोटे, लेकिन अगर लाइन से जितने भी जीव जंतु हैं, मान लीजिए, इसको बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे पास फोटो भी है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, फोटो का वन, इसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग बोलते हैं फोटो का वन। अगर जितनी भी दुनिया में स्पीशीज हैं उनको लाइन से खड़ा कर दें, लाइन से लगा लें, मतलब जितनी एक एक स्पीशीज, टोटल 80 लाख स्पीशीज हैं, 80 मिलियन स्पीशीज नोन, और लाइन से खड़ा कर दें, हर दूसरी स्पीशीज कीड़ा है, एवरी सेकेंड स्पीशीज इज अ कीड़ा, एवरी फोर्थ स्पीशीज इज अ बीटल, और इंसान उसमें से सिर्फ एक ही है, होमो सेपियंस एक ही है। अगर मास को कंपेयर करें, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसेक्ट्स ऑन दिस अर्थ इज 17 times द मास ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स अगर मान लीजिए 1 किलो, पूरे धरती का लिविंग बींग्स का मास 1 किलो है, तो इंसानों का मास 0.1 ग्राम है, 0.1 ग्राम, हम लोग 0.1 ग्राम है, हम इस एवोल्यूशन में कीड़ों से 100 कीड़े 40,000 साल पहले आए, 40 लाख साल पहले आए, हम लोग 40 लाख साल पहले आए, और कीड़े हमसे 100 गुना टाइम पहले आ गए, 40 करोड़ साल पहले से इस धरती पर हैं, और जिस तरह से हमारा बिहेवियर है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है हम ही इस धरती के मालिक हैं, ये जो है क्षुद्र प्राणी इनपे फ्लिट मार दो, और इसी तरह का हमारा काम चलता है। तो कहीं ना कहीं इतनी की जिंदगी के ऊपर आज चर्चा करने का उद्देश्य है। तो चलिए मैं वापस ले चलता हूं आपको, जो डेनमार्क से उनकी रिसर्च हुई थी, कहां पर गई, ये रही रिसर्च उनकी, लेट मी जस्ट टेक यू टू आईपैड हियर, 80% कीड़े खत्म हो गए, यहां पर ये चर्चा हो रही थी, 80 लाख स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, 5 out of 6 मैमल्स आर गॉन, एंड चिड़ियाओं का तो कुछ पता ही नहीं चले, हाफ ऑफ ऑल फार्मलैंड बर्ड्स इन यूरोप हैव डिसअपीयर्ड। सो कहीं ना कहीं, और आशा है आप लोगों ने वो पहले सवाल का उत्तर दिया होगा जिसमें पूछा गया था आपका सबसे फेवरेट एनिमल क्या है,
तो मुझे मालूम नहीं, एक मिनट के लिए जवाब देख सकते हैं अगर हमारे गौरव भाई इजाजत दें, एक मिनट के लिए आइटम पूल में जाकर जवाब देख लें। काफी सारे लोगों ने जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप सभी लोग itempool.com/ccl/live पर जाकर देखें। सारे उत्तर सही हैं, पर मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोगों ने सी उत्तर मार्क करा है, सिर्फ 8 लोगों ने, और ई उत्तर मार्क करा है 7 लोगों ने, 15 लोगों ने, इतने अगर मैं कहूँ कि 800 लोगों में से 15 लोगों ने ये उत्तर करा है। और मैं ये चाहूंगा, अगर उद्देश्य हमारा ये कामयाब हुआ, अगर ये एपिसोड हमारा कामयाब हुआ, तो मैं चाहूंगा कि अंत तक ये फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपका सबसे फेवरेट एनिमल क्या है, और तब तक आपके ये जवाब चेंज हो जाने चाहिए। यही अगर ऐसा होता है तो हमें लगेगा कि आपको ये आज हम दर्शाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये इंसान, ये कीड़े हमारी जिंदगी में चलाने में, हमारी धरती को चलाने में इनका कितना बड़ा योगदान है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इनकी खुद की जिंदगी कितनी मजेदार है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि कितनी उजागर है। हाउ मच कैन वी ऑब्जर्व, कैन वी ऑब्जर्व, कैन यू सी? आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट कुछ समय पहले जुगनू बहुत हुआ करते थे। क्या हम देख पाते हैं कि आज की तारीख में जुगनू कहाँ गए? जब बारिश होती थी तो हर जगह केंचुए ही केंचुए दिखाई देते थे, आजकल बारिश हो तो केंचुए नहीं दिखते हैं, या ये कान खजूरे जिनको बोलते हैं, बाय द वे कान में नहीं घुसते हैं, ये सब एक मिथ है कि ये कान खजूरे यू नो कान में होते हैं, बट दे डोंट एंटर आवर इयर्स। और गोरैया इतनी चिड़ियां चींची करती थी, आज की तारीख में ये कहां चली गई? कहीं ना कहीं इंसान या हमारी, और इसको हम आगे चल के देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, और क्या हम कुछ कर सकते हैं, या क्या हमें कुछ करना भी चाहिए। I think that is the whole point, and that is why I'm so excited about this episode today. ये कीड़ों, क्षुद्र चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, किस तरह से इनके जीवन पर हमारा जीवन निर्भर है, and that is the point we are trying to sort of see. But उसके करने के पहले, आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये, अब मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखा देता हूँ, और फिर then I will ask you this question. ये let me and this is the first question that will come on your screen. ये देखिए, ये कुछ कीड़े आपके चित्र में, यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और इनमें ये जो कीड़े हैं ये बारिश के समय कुछ आते हैं, और इनके फिर यू नो ये आप देखेंगे कि सुबह इनके पंख झड़ जाते हैं। सवाल ये है, सवाल मैं आपको दिखा दूं, द क्वेश्चन इज, लेट मी जस्ट शो यू द क्वेश्चन विच इज राइट हियर एनी आइटम पूल पे जाकर। Sometimes in the morning when you see this phenomenon outside your house, why does this happen? क्या ये जो कीड़े हैं ये अपने अंडे, they emerged from the eggs last night, they got disturbed by human activity or died, they came out in search of food, या they came out for mating? चार आपके पास ऑप्शन है। ये जो कीड़े हैं ये उड़े और ये अपने पंख छोड़कर या तो ये मर गए या क्या हुआ, ये आपको सोचकर जवाब देना है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही कि आसपास की चीजें जो हमारे सामने होती हैं, क्या हमारा ध्यान इनके ऊपर जाता है? Are we able to sort of see some of those things that are happening all around us, and that is, I think, the goal of this program and workshop. So please make sure you go to itempool.com/ccl/live and try to answer this question. ये जो मैं फिर से आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, ये कीड़े क्यों बाहर निकले हैं? बारिश के समय आपने देखा होगा ये कीड़े जमीन से बाहर निकलते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कहीं ना कहीं यही हमारा ध्यान इन चीजों की तरफ जाए, यही कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी है। चलिए तो उत्तर देख लेते हैं, उत्तर, लेट अस लुक एट द आंसर्स, एंड द आंसर्स एंड ऑफ कोर्स दे केम आउट फॉर मेटिंग। ज्यादातर लोगों ने वो उत्तर नहीं दिया, ज्यादातर लोगों ने उत्तर अलग अलग दिए कि अंडे उनके लास्ट में हमने डिस्टर्ब कर दिए या मर गए। हमें भी ऐसे ही लगता था, इनफैक्ट बिफोर डूइंग दिस रिसर्च, एंड आई रियली थैंक ऑल माय कॉलीग्स हियर फ्रॉम आईसर पुणे, नीरजा, गौरव ऑफ कोर्स, एंड आशुतोष, हु वर सॉर्ट ऑफ रियली हेल्पिंग विद द होल कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। नई चीज हमें पता चली, और विक्रम, जिनकी एंड में हम आपको वीडियो दिखाएंगे, विक्रम हमारे साथी हैं, पालमपुर में रहकर एंटोमोलॉजिस्ट अगर कह सकते हैं तो हैं, कीड़े इकट्ठे करते हैं। जिंदगी भर में उनका उद्देश्य है कि कीड़े इकट्ठे कर करके उनका म्यूजियम बनाया जाए, और बच्चों और टीचर्स को किस तरह से आसपास के वातावरण में कीड़ों के बारे में बताया जाए, वो पालमपुर में वो काम करते हैं। एंड में जुड़े रहिए, उनकी एक छोटी सी फिल्म, किस तरह से लॉकडाउन में आप अपने पेड़ के पास में रहकर ही सारे कीड़े देख सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करते थे, लेकिन उसके लिए आंखें और उसके लिए हमारी दृष्टि व्यापक होनी पड़ेगी, एंड दैट आई थिंक वी आर ट्राइंग टू कन्वे विद दिस टॉक हियर। सो ये जो कीड़े निकलते थे जिनके बारे में अभी हमने ये सवाल पूछा था, ये असल में होता क्या है कि एक कॉलोनी में ही रहते हैं, अपने कॉलोनी में रहते हैं, और एक दिन के लिए ही सिर्फ इनके पंख निकलते हैं, बिकॉज
दे वॉन्ट टू कम आउट एंड मेट एंड देन दे यू नो अपने पंख गिरा देते हैं और फिर कहीं और जाकर कॉलोनी बना जाते हैं. अगर उसी बिल में अगर वो मेट करके नई कॉलोनी बनाएंगे तो उस बिल में इतना इतना खाद्यान्न नहीं है कि सबका काम चल सके. तो एक दिन के लिए ही सिर्फ उनके पंख खाते हैं. कितनी विचित्र चीज है, क्या हम देख पाते हैं? हमें लगा मर गए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वो चले जाते हैं अपने पंख मोल्ट, अगर मोल्टिंग है तो पंख छोड़कर कहीं चले जाते हैं. विक्रम भाई ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमको बताई. उसी तरह से ये अगला, अगर मैं आपको एक मिनट के लिए अगर ये दिखाऊं, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दाल के अंदर पुरानी दाल कभी रखी हो तो उसमें कीड़े आ जाते हैं. और इसका सवाल हमने सोचा था पर आपको मैं बता ही देता हूँ, सवाल नहीं पूछेंगे. ये दाल में जो कीड़े आ जाते हैं, अक्सर हमें लगता है कि भाई ये दाल जो है बहुत, मैं यहाँ पर एक चित्र भी दिखाता हूँ, लगता है कि दाल बहुत खराब है, जो उसने दवाई दी उसमें गंदी दवा, कीड़े लग गए होंगे, इंसेक्टिसाइड नहीं डाला, तमाम चीजें हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, जहां भी आज की तारीख में एक पर्टिकुलर तरीके के यू नो बीटल्स होते हैं, और अगर मैं उसका नाम ठीक से बता पा रहा हूँ, तो जहां भी खाद्यान्न है, जहां पर भी हम लोग अपने खाने का भंडारण करते हैं, वहां पर ये कीड़े आ जाते हैं और अपने अंडे बने हुई दाल के, जब दाल पक चुकी है, पेड़ से निकल गई है, जहां पे उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर जाकर वो अंडे दे देते हैं और कुछ समय बाद वो अंडे बाहर निकल जाते हैं. सो दे हैव अडैप्टेड. ओ एंड दिस हैज हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू यू नो थाउजेंड ईयर्स. उसके विक्रम ये भी बता रहे थे कि एवोल्यूशन में उनके अब पंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उड़ना नहीं है, खाना वहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ वहीं है, मेटिंग भी वहीं होनी है, सब कुछ वहीं होना है. तो उन्होंने अपने पंख भी खत्म कर दिए, जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं पे अंडे. वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वी विल हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, जब हमारे दालों में घुन लगता है तो असली में हुआ क्या, क्या हुआ, कहाँ हुआ, इंस्टेड ऑफ जस्ट कमिंग एंड पुशिंग दैट, क्या आजकल आता है वो ऑल आउट और तमाम चीजें आती हैं, वो खट मार देते हैं, उसकी जगह थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो और आगे बढ़ के अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, और मैं इसको अगर ये हटा देता हूँ, ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन कीड़ों का, इन क्षुद्र प्राणियों, प्राणी अगर मैं बोलूँ, इन क्षुद्र जीव जंतु, छोटे जंतुओं को हमें दृष्टि अपनी उजागर करनी पड़ेगी ताकि हम इनको देख पाए. लेकिन इनकी जरूरत क्या है? इनको तो भगा देना चाहिए, मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है? तो अब अगले कुछ मिनटों में इनको देखने की कोशिश करेंगे. बट उससे पहले एक सवाल, सवाल ये है कि आपके घरों में जो आलू टमाटर और बैंगन और शिमला मिर्च आई है, देखिए आपका सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपके घरों में जो आलू टमाटर ये वाला हटा सकते हैं, आलू टमाटर शिमला मिर्च और बैंगन वाला सवाल डाल देते हैं. आपके घर में आलू बैंगन शिमला मिर्च और टमाटर के घर आने पहुंचने में सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सब्जी वाले को जाता है, ऑफकोर्स सब्जी वाले को जाता है. किसान भी लिख सकते थे भाई गौरव, आपने किसान भूल लिया, किसान का सबसे बड़ा श्रेय है. और ग्रोफर को जाता है, बिग बास्केट, बहुत बड़ी आजकल तो भैया आपको पता ही नहीं कौन देता है बिग बास्केट. सो बिग बास्केट को जाता है, बहुत बढ़िया. हनी बी को जाता है, हनी बी को जाता है मतलब मधुमक्खी को जाता है, या अदर बीज, अदर बीज मतलब मधुमक्खी को छोड़कर, जो जो मक्खियां शहद नहीं बनाती है उनको छोड़कर, जो मक्खियां उनको शहद. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. मुझे जब ये मैंने जानकारी पढ़ी तो बड़ी रुचि आई, बहुत मजा आया, मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज को एंजॉय करें. एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, कुछ लोगों ने पिछली बार जैसे फीडबैक दिया था कि 2020 तो पूरा निकल गया था, ओनली इंटरेस्टिंग थिंग इन 2020 अबाउट एजुकेशन वाज 2030. पर मुझे थोड़ा सा कहीं कभी दुख होता है कि काफी सारे हमने सहोदय के टीचर से बात करी, सीबीएसई के टीचर से बात करी, और उनको ये बात का पता भी नहीं था कि ये प्रोग्राम चलता है या लाइव चलता है. तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर सीबीएसई से जुड़े हो, आप किसी भी स्टेट से जुड़े हो, आप किसी भी बोर्ड से जुड़े हो, अपने टीचर्स को जरूर बताइए. अगर अच्छी चीज है तो अपन सब हर दिन एक घंटा सिर्फ संडे का आपके सामने लाइव आएंगे और उससे जुड़ी हुई बहुत जिंदगी की जुड़ी हुई चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे. तो प्लीज टेल एवरी सिंगल पर्सन दैट यू नो ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कम रजिस्टर लाइव एंड वॉच द प्रोग्राम. चलिए उत्तर देख लेते हैं. चलिए गौरव उत्तर देख लेते हैं. और ज्यादातर लोगों का उत्तर बहुत सही था. मैं एक्चुअली दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, मैंने सोचा था ज्यादातर लोग हनी बीज उत्तर देंगे. और किस लेवल में बिग बास्केट भी लिखा, मैं चाहता हूँ वो अपने नाम हमारे अपने अपने नाम भेज दें, जो जो मेरे को म्यूजिक ऑफ करने के लिए बोल रहे थे कुछ लोग, तो मैंने वो कर दिया. जिन लोगों ने बिग बास्केट लिखा है उनके नाम हम जानना चाहेंगे, कौन है ये 22 लोग, और सब्जी वाले जो 62 लोग हैं इनके भी नाम जानना चाहेंगे. बढ़िया बढ़िया. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड सी दैट मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली ही पॉलिनेट करती हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल अगर जिंदगी में अगर हमारे
खाने में हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है सबका खाने का, तो वो इन कीड़ों का है, इन कीड़ों की वजह से ही हमारा खाना आता है. एंड इफ आई कैन सॉर्ट ऑफ दीज आर द, लेट्स लुक एट दिस, दीज आर द बीज, दीज आर नॉन ऑफ देम आर हनी बीज, दीज आर द बीज विच पॉलिनेट आलू, विच पॉलिनेट अवर आलू, टमाटर एंड शिमला मिर्च और बैगन जो भी था, है ना. और इफ आई टेक द ओवरऑल पिक्चर, आई मीन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पॉलिनेशन दैट दे डू, ये कितना है, 36 लाख करोड़. इतनी बड़ी, इतना बड़ा पैसे का काम करते हैं और हमसे कुछ भी पैसा नहीं मांगते. दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डू फॉर अस, 36 लाख करोड़. एंड इनफैक्ट इफ आई आस्क यू व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक्चुअली एक एआई फैक्ट्री है. एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फैक्ट्री है. ऑल इट डज, ऑल पॉलिनेशन में होता क्या है, नर का जो नर फूल का जो चीज है वो मादा में, मादा फूल में पहुंच जाती है, ओव्यूल में पहुंच जाती है और वहां जाकर उससे एग्जैक्टली समथिंग. इमेजिन दिस 36 लाख करोड़ ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फैक्ट्री नेचर रन्स फॉर अस फॉर फ्री, दे डोंट आस्क. इनफैक्ट चाइना में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ और जिसकी में चित्र आपकी स्क्रीन पर है, वहां पर उन लोगों ने इतनी सारी दवाइयां डाली एक पर्टिकुलर प्रोविंस में, दिस इज द सिचुआन प्रोविंस, जहां पर सेब पॉलिनेट नहीं होते थे, तो वहां पर हाथों से जाकर पॉलिनेट करना पड़ता था. $17 प्रति घंटे के हिसाब से मेहनत करके ये काम करना पड़ता था लेबर्स को, और उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 10% थी कंपेयर टू द बीज. Now imagine the kind of work that the insects do, and it is not just bees, honey bees, other insects, क्योंकि उनके अलग अलग प्रकृति में अलग अलग तरीके के पैर होते हैं जिसके कारण वो pollen grains जो है उसके साथ चिपक कर दूसरे फलों में पहुंचा. और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च एक और ने भी बताई थी, मुझे लग रहा है समय है तो बता ही देता हूँ. कितने सारे ट्रीज नेचर में ऐसे हैं, नेचर वॉन्ट्स दैट द बीज कम ऑन एवरी फ्लावर एंड पॉलिनेट, तो नेचर ने ऐसा नहीं करा. और ये रिसर्च इंटरेस्टिंगली आइसर के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने करी थी और अपने साथियों को, बच्चों को ले जाकर करी थी. उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पता करो फूलों में, हर फूल में वो शहद होता है कि नहीं, हर फूल में जा जाकर आप टेस्ट करिए, आप कर सकते हैं. तो उन्होंने ये पाया कि फूल में, पेड़ में, हर फूल में शहद नहीं होता, बिकॉज पेड़ वॉन्ट्स दैट, अगर हर फूल में शहद होगा तो मधुमक्खी आएगी, पहले में ही शहद मिल गया उड़ जाएगी. मधुमक्खी को थोड़ा सा काम कराने के लिए पेड़ ऐसा बनता है कि हर फूल में शहद नहीं डालता, अलग अलग फूलों में शहद, ताकि मधुमक्खी को जगह 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 टहलना पड़े, और जितनी जगह टहलेगी उतना पोलिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगी. दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट डू फॉर अस फॉर फ्री. और अगर यही और इसके लिए ये मैं और अब आगे बढ़ने के लिए मैं इसके लिए दूसरा सवाल आपके सामने लेकर आता हूँ, और इसका जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है. तो चलिए, पहला हमने देखा कि सबसे बड़ा काम ये था 36 लाख करोड़, और इनफैक्ट कीमत कैसे के किसी का आंकड़ा है 36 लाख करोड़ रुपए का पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या पॉलिनेशन करते हैं हमारे कीड़े. 87% ऑफ ऑल यू नो स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, नॉट विंड. 87% ह्यूज नंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपके लिए दूसरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री कौन सी है. चलिए देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. GSFC, हम गुजरात में हैं तो फिर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड. AFC, अमेरिकन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, मुझे मालूम भी नहीं है कि नहीं, हमने ऐसे ही नाम डाल दिया. NFC, ये भी नहीं पता शायद है कि नहीं, नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन. और ये ICFC, इंसेक्ट कंपोस्टिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन. आपको शायद उत्तर पहले ही पता चल गया हो, बट फिर भी मैं चाहूंगा उत्तर देख लें. मुझे नहीं लगता कि ऐसी पहली ऑफकोर्स GSFC तो है, लेकिन बाकी दो मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चौथी तो ऑफकोर्स मैं आप, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इस क्वेश्चन पूछते टाइम आपको उत्तर भी बता दिए, तो शायद मैं थोड़ा बोलने बता देता हूँ. चलिए उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं. आई थिंक ऑफकोर्स मोस्ट पीपल गेव द राइट आंसर, इंसेक्ट कंपोस्टिंग फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन. ऑफकोर्स दिस कंपनी डजंट एग्जिस्ट. एक सेकंड रुको, गुजरात वाले कितने लोगों ने देखा वो देख लेते हैं. 70 लोगों ने GSFC बनाया, बहुत बढ़िया लगता है. गुजरात के 60-70 लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया. चलिए, नो ऑफकोर्स द आंसर ऑफकोर्स इज इंसेक्ट. दे रन द लार्जेस्ट कंपोस्टिंग फैक्ट्री इन द वर्ल्ड, खाद बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है. इतना जो बायोमास पैदा होता है धरती पर, इतना ज्यादा बायोमास है गीगा टन्स का, वो सारा बायोमास वापस से धरती में जाने के लिए सारा काम कीड़े करते हैं. अगर
कीड़े ये काम करना बंद कर दें, डस्टबिन हो जाएगा एक, एंड 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 द लाइफ विल बिकम, आई विल शो यू दैट पिक्चर, बट वी विल बी कंप्लीटली लाइक इनंडेटेड विद गंदगी, चारों तरफ शमशान होगा, कीड़े जानवर मरे हुए होंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे, और पूरा हर जगह कार्बन गिरा हुआ पड़ा रहेगा, पूरा बायोमास। उस बायोमास को ब्रेक करके धरती को उपजाऊ बनाने का काम कीड़े करते हैं, दैट्स वाई दे आर द लार्जेस्ट यू नो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंपोस्टिंग फैक्ट्री, लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। और अगर आप देखें कि अगर कीड़े नहीं रहे, दिस विल बी द वर्ल्ड विदाउट द इंसेक्ट। मैं चाह रहा था कि आप ये देख पाए। और कहीं ना कहीं इससे जुड़ी भी बात है, और अभी रिसेंटली ये बात हुई त्रिलोकी, एक त्रिलोकी नाथ नाम के एक, मैं उनका नाम अगर सही से बता रहा हूं, 99% ऑफ द इंडियन वल्चर्स आर एंडेंजर्ड, जो गिद्ध होते हैं हमारे यहाँ, दे हैव बिकम एंडेंजर्ड, मतलब उनकी स्पीशीज खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। वो क्यों, वो 90s में किसी ने पता लगाया कि उनकी, और वो गिद्ध का काम क्या है, स्कैवेंजिंग, यानी जो हमारा कूड़ा है, जो हमारे मतलब जो मवेशी मर जाते हैं या जो जानवर मर जाते हैं, उनको वापस से यू नो खाकर वो धरती में पहुंचा देते हैं, वो कार्बन मैटर धरती में पहुंच जाता है। और किस तरह से ये होता है, ये गिद्ध करते हैं, लेकिन हमने अपने जानवरों को, मवेशियों को डाइक्लोफिनैक नाम की एक दवाई खिलाई, जिसके कारण से गिद्ध ने जब मरे हुए जानवरों को खाया तो गिद्ध की किडनी खराब हो गई, गिद्ध खत्म हो गए, 99% एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गए गिद्ध। This is something that happens when our and similarly spiders. Imagine spiders; they are the biggest pest, pest natural you know pesticides for us. Spiders take care of all you know हमारी crops में जितने भी pests होते हैं, अलग-अलग कीड़े उनको नियंत्रण में रखती हैं। और किस तरह से ये नियंत्रण की बात होगी, वो मैं अभी आपको एक मिनट में दिखाऊंगा। इससे जुड़ी हुई ये बड़ी interesting कहानी है। ऑस्ट्रेलिया में जब ये ऑस्ट्रेलिया में इसको, ये वाला चित्र आपको देखना चाहिए, ये छोटी सी एक, इसको बीटल बोलते हैं, डंग बीटल, और ये गोबर है, गोबर को गेंद की तरह लुड़का लुड़का कर बिल्कुल ठीक कर देती है, गोबर को गेंद की तरह लुड़का कर बिल्कुल कर देती है। और ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों ने मवेशी पाले, लेकिन ये वाली बीटल नहीं थी, तो उन्होंने ये, उनको यहाँ ऐसा हुआ कि उनके यहाँ क्योंकि मवेशी आ गए जो गोबर करते थे, लेकिन गोबर को हटाने वाली एक पर्टिकुलर बीटल है, डंग बीटल, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, तो उन्होंने ये पाया कि बिल्कुल उनका पूरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गोबर से नवालब भरने लग गया। देन दे रियलाइज व्हाट हैपेंड, एंड ऑफकोर्स उन्होंने फिर बाहर से, विदेशों से जाकर बीटल्स, वो कीड़े मंगवाए, और तब उनके यहाँ सफाई हुई। I think it is so amazing that we take this chhudr prani for free, for bilkul inko bilkul bhi tawajjo mahatva nahi dete, aur kahin na kahin inse hamari zindagi judi hui hai. To pehla sabse badi hamare khana hamari table par pahunchane mein jo artificial insemination ya pollination ka kaam karte hain, dusra sabse badi fertilizer ki factory chalate hain, aur teesra kahin na kahin ye fertilizer ki factory chalate hain, aur teesra kahin na kahin food chain mein inka bahut bada link hai. ये जो हम कहते हैं कि ये हमारा बियर है, ये बियर, लेकिन ये जब ये पॉलिनेशन होगा और तब ये फ्रूट आएगा, उसको इंसेक्ट खाएगा, उसको मछली खाएगी और उसको बियर खाएगा, तो ये एक लंबी फूड चेन है। और इसमें कहीं भी इस चेन में, इस पूरी चेन में अगर कहीं भी एक इनको अगर उठा दें, इनको क्रॉस कर दें, लाल रंग से कर देता हूं मैं, हम क्या करेंगे, इनको फ्लिट मार के क्रॉस कर दिया, या आईपैड में दिखा देते हैं, इनको इंसेक्टिसाइड से जो है हमने तबाह कर दिया, तो ये पूरी फूड चेन नष्ट हो गई, ये पूरी फूड चेन नष्ट हो गई। अब ये एंडेंजर्ड हो गए, अब ये एंडेंजर्ड हो गई, ये चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च करके ये भी पाया, और कि किस तरह से ये फूड चेन हमें ऑब्जर्व करके समझनी पड़ेगी। चिड़ियाँ गायब हो रही हैं, और कुछ लोगों ने ये घोंगा और वो एक घोंगा और चिड़िया में क्या संबंध है, वो कुछ लोगों ने देखकर निकाला कि घोंगे और वो शेल, मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर, एंड लेट मी शो यू दिस राइट नाउ। और सवाल भी है ये आपकी स्क्रीन पर, ये जो ये घोंगे के शेल्स आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये घोंगे के शेल्स हैं, और ये चिड़िया के अंडे, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये घोंगा यानी स्नेल, एंड ये इज अ स्पैरो या बर्ड, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपका तीसरा सवाल या चौथा जो भी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्नेल शेल एंड अ बर्ड एग। और काफी सारे लोग सवाल पर जाकर उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज गो टू itempool.com/live एंड
फिर से मुझे अगर 2 मिनट मिले या आधा मिनट या 1 मिनट जो भी है, मैं फिर से अनुरोध करूंगा, प्लीज टेल, प्लीज मेक श्योर यू टेल ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर टीचर्स, ऑल योर पेरेंट्स टू कम एंड वॉच दिस प्रोग्राम एवरी संडे 4 to 5. If you think it is a good program, if you think this is something that is the best thing that happened, you know, in 2020 in terms of education, please make sure that people know about it. I think it was very sad for us to know when we started calling people ki unko pata nahi tha, you know, CBSE ke schools mein. So it is important that, you know, important for us, important for everybody that we know and enjoy this program together, where we try to bring out the beauty, mystery and magic of life that is all around us. In fact, life that is all around. और आज उसी के ऊपर कीड़ों के लेकर चर्चा कर रहे हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं, और उत्तर आपके सामने आने वाला है। गौरव भाई उत्तर दिखा दें, और इस बार काफी सारे लोगों ने ए उत्तर दिया, स्नेल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर द इंसेक्ट्स, बट स्नेल शेल्स आर यूज्ड इन एग शेल फॉर्मेशन। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग ये रिसर्च कुछ लोगों ने करके निकाली थी कि जो स्नेल के शेल्स हैं उसको चिड़िया खाती है, और उसको खाने से वो कैल्शियम आता है, तब उसके अंडे स्ट्रांग होते हैं। और जहां पर उन्होंने पाया कि स्नेल्स नहीं थी, वहां के चिड़िया के अंडे वीक हो गए, बच्चे पहले पैदा हो गए और खत्म हो गए। इनफैक्ट DDT भी यही लोगों ने पाया, यही करती है। DDT के कारण जो अंडे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और वो तबाही कर देते हैं, मतलब उससे वो प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, जिन लोगों को पढ़ने की रुचि हो, एक साइलेंट स्प्रिंग नाम की कहानी किताब है, रेचल कार्सन ने 1963 में लिखी, अबाउट DDT एंड इट दुष्परिणाम, आई मीन उसके क्या प्रभाव होते हैं। ऑफकोर्स DDT सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स इरेडिकेटिंग और कंट्रोलिंग मलेरिया, बट DDT हैड दीज अदर इफेक्ट्स विच वी डिडंट नो। किस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड साइकिल में बिना जाने अगर हम कुछ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, ये इसके भयावह परिणाम आज हमारे पास देखने के लिए बिल्कुल सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने अपना पूरा वातावरण जिस तरह से प्रदूषित कराया, चलिए इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो हमने देखा 3 चीजें हमारे लिए ये हमारे कीड़े करते हैं, फूड चेन में बहुत बड़ा रोल है, पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल है, और स्कैवेंजिंग, इसको अगर हम बोले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसको अगर बोलें तो फैक्ट्री है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, और इसको अगर बोलें तो फूड चेन है हमारी। तो अगर और कुछ होना हो, और कुछ होना हो, अगर सिर्फ यही बात आज हमारी आप तक पहुंच गई, तो आई थिंक आज का मतलब बिल्कुल अगर दृष्टि हमारी व्यापक हो जाए तब ज्ञान में बात आ जाएगी और फिर आचरण में तब्दीली आएगी। एंड आई थिंक ऑल दोस थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वी नीड टू एक्चुअली बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट आर ऑल अराउंड अस। आजकल की आपाधापी में समय ही नहीं है कि चींटी को देख पाए, आने से पहले फ्लिट मार देते हैं उसके ऊपर। मुझे वो हम पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, हम थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है बट कभी देखिएगा, वो 2 तरीके के कीड़े होते हैं दुनिया में, आई विल नॉट गो देयर, बट देखा, if I can sort of observe the kidas around us, the chiti around us, then I can start observing and doing some research and figuring out what is it that happens, and then of course I take some action. तीनों चीज जुड़ी हुई हैं, दृष्टि व्यापक हो, किस तरह से ज्ञान में बात आए, और तब आचरण में तब्दीली आए, and then only things you know. चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 3 चीज तो हमने देखी कि किस तरह से इनका हमारे जिंदगी में लेना और ये तो चीज हमने देखा। अच्छा हाँ, ये जो ये बता रहे थे नीरजा का वीडियो, या लेट मी जस्ट टेक यू टू आइसर पूना, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क डन बाय आर कॉलीग फ्रॉम आइसर पूना, एंड शी इज ट्राइंग टू शो किस तरह से ये जो स्पीशीज का इंटरबैलेंस है, एक स्पीशीज अगर किस फूड चेन से हट गई या इस कॉम्प्लेक्स चेन से हट गई तो क्या हो जाएगा, इसको समझाने के लिए हम आपको आइसर पूना ले चलते हैं। चलिए नमस्कार, मेरा नाम नीरजा है और मैं इस वक्त आइसर पुणे में हूँ। एक इकोसिस्टम से कोई एक स्पीशीज चली जाती है या किसी एक जाति चली जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, और ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। ये कहानी है येलोस्टोन नेशनल पार्क की। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका का एक बहुत बड़ा जंगल है जिसकी व्याप्ति लगभग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। तो इस बड़े से जंगल में इंसानों ने धीरे धीरे करके वहाँ के जो टॉप प्रेडेटर्स यानी वुल्फ्स थे उनकी हत्या कर दी। जैसे ही जंगल से वुल्फ्स चले गए, उनके साथ साथ जो वहाँ के जो हिरन थे, बाइसन थे, यानी कि जो घास खाने वाले प्राणी थे, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। और जैसे ही घास खाना उन्होंने शुरू कर दिया, वो सिर्फ घास नहीं खाते थे, वो छोटे छोटे पौधों को भी खा जाते थे। ये छोटे पौधे बाद में बड़े होकर बड़े पेड़ बनने वाले थे, तो इसकी वजह से जंगल के पेड़ों की संख्या कम होने लग गई। और वहाँ के जो छोटे प्राणी थे जो इन पेड़ों पर रहते थे, अलग अलग तरह के पंछी थे, वो सारे जंगल छोड़कर चले गए। तो जो अच्छा खासा जंगल हुआ करता था वो धीरे धीरे एक डिजर्ट सा बन गया। जब शास्त्रज्ञों ने सोचा कि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क को वापस पहले जैसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो
वापस भेड़ियों को अंदर डाल देंगे। आप अगर सोचेंगे कि इतने बड़े नेशनल पार्क में कितने भेड़िए डाले और कहाँ पे डाले, ये सवाल काफ़ी कठिन सवाल है। तो येलोस्टोन के प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का उपयोग किया गया, और जो मैथमेटिकल मॉडल हमने हमने देखा वो था लॉट का वोल्टेरा मॉडल। इसको प्रिडेटर प्रे मॉडल भी कहा जाता है। वो प्रिडेटर प्रे मॉडल हमें ये बताता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रिडेटर है यानी वुल्व्स और जो प्रे है यानी कि जो हिरन है, उनमें क्या संबंध है। लॉट का एक अमेरिकन बायोफिजिसिस्ट थे जो ऑसिलेटरी रिएक्शन, केमिस्ट्री के ऑसिलेटरी रिएक्शंस का अभ्यास कर रहे थे। बाद में उनको पता चला कि यही रूपांतर हम प्रिडेटर प्रे मॉडल की तरह से भी देख सकते हैं। तीन रिएक्शंस को हम ध्यान में रखेंगे। पहला रिएक्शन जिसमें जो हिरन है वो घास खाते हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरा रिएक्शन जिसमें वुल्व्स यानी कि भेड़िए हिरनों को खाते हैं और वुल्व्स की संख्या बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आएगा कि वुल्व्स को या भेड़ियों को खाने के लिए हिरन नहीं होंगे या उनकी उपलब्धता कम होगी, तो धीरे धीरे वुल्व्स मर जाएंगे। तो ये तीसरा रिएक्शन हुआ। चलो करके देखते हैं। ये तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे ऑसिलेटरी रिएक्शंस हैं जिसमें इसी तरह का संबंध हमें दिखाई देता है, जिसमें पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा रिएक्शन रिएक्टेंट की तरह यूज़ करता है। ये सोचते हैं कि जब ये रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या एक कोई पर्टिकुलर केमिकल की मात्रा बढ़ जाएगी, ये हमें एक अलग कलर दिखाएगा या अलग रंग दिखाएगा। जब दूसरे की मात्रा बढ़ जाएगी तो अलग रंग दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीला रंग है वो धीरे धीरे रिएक्शन में आ रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद जब नीला रंग जाता है तो एक पीला रंग उभर के आता है, और वही पीला रंग वापस कम हो जाता है, नीला रंग वापस आता है। तो एक तरह से एक ऑसिलेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो वुल्व्स हैं वो हमें एक रंग या एक कलर दिखाएंगे, यानी कि जब वुल्व्स की संख्या ज़्यादा होगी तब हमें इस रिएक्शन में एक कलर, एक अलग कलर दिखेगा, और जब हिरनों की संख्या ज़्यादा होगी तो हमें दूसरा कलर दिखेगा। और आपको आश्चर्य की बात ये लगेगी कि इस मैथमेटिकल मॉडल का सबसे पहले सिद्धांतिक रूप से एलन ट्यूरिंग ने एक प्रेडिक्शन किया था, या उन्होंने बताया था कि ऐसे भी रिएक्शंस हो सकते हैं। सो धन्यवाद। अभी हम वापस जाते हैं मनीष जी की तरफ, IIT गांधीनगर। सो थैंक यू नीरजा फॉर गिविंग दैट ब्यूटीफुल स्टोरी कि किस तरह से येलोस्टोन में जब भेड़ियों और बाइसन जो घास खाने वाले लोगों के बीच में अगर, और किस तरह से ये बात केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री के रिवर्सिबल या ये जो सर्कुलर रिएक्शंस होते हैं, एक तरह का रिएक्टेंट दूसरे में बनके किस तरह से कलर चेंज होता है, उस चीज़ों का इस्तेमाल करके वापस से येलोस्टोन में उन्होंने जानवरों की जनसंख्या या संख्या को वापस से निर्धारण करा। सो थैंक यू सो मच, दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स द पावर ऑफ दिस फूड चेन। एंड सो अब तो हमने ये देखा कि किस तरह से ये तीन चीज़ों से हमारा जो इंसेक्ट्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन आवर लाइव्स, बट देयर लाइफ हमारी जिंदगी में किस तरह से इनका फायदा है। अगर ये नहीं हो तो हमारा खाना खत्म हो जाएगा, मतलब धरती पर रहने लायक धरती नहीं बचेगी, धरती का कहीं ना कहीं हमारा जीवन इनके ऊपर निर्भर करता है। ये तो हमारे फायदे के लिए, लेकिन इनकी जिंदगी कहीं ज्यादा रोचक इनके ऊपर, खुद इनकी जिंदगी, इनफैक्ट इफ वी टेक आउट ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द होल पिक्चर, इवन देन देयर लाइव्स आर सो इंटरेस्टिंग, मतलब अगर इंसान ना भी हो तब भी इनकी जिंदगी कितनी रोचक है। और इसको जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ये एक फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, और आप लोगों से ये छोटा सा सवाल है कि ये किसके बारे में है। आई डोंट थिंक देयर इज अ आइटम पुल क्वेश्चन, बट ये किसके बारे में हम बात करें, कौन कौन है जो फार्मिंग करता है, जो एनिमल रियरिंग यानी गाय भैंस पालते हैं, जो लार्ज सोसाइटीज अपना समाज चलाते हैं और गिनती कर पाते हैं, गणित विज्ञान कर लेते हैं, कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो द आंसर इज इंसेक्ट्स, हम कीड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। कीड़े ये काम करते हैं, ये कीड़े हैं जो फार्मिंग करते हैं, ये कीड़े हैं जो एनिमल रियरिंग गाय भैंस मतलब ये एफिड्स हैं ये पालते हैं, और लार्ज सोसाइटीज, ये इतनी बड़ी जो एंट हिल है 5 मीटर, इसमें करोड़ों इंसेक्ट्स हैं, 6,000 किलोमीटर तक जमीन के नीचे इनकी कॉलोनी बनी हुई है। और ये वाले इंसेक्ट्स, ये तो और भी मजेदार हैं, ये कीड़े गिनती करना जानते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि दिस इज द ये कीड़े असल में जो यहाँ पर
ये कीड़े जो आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये पत्तियों को काट काट कर अपने बिल में ले जाते हैं और फंगाई जिसको खाते हैं, ये फंगाई को जो है ये आ, 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 इसकी खेती करते हैं, फंगस की खेती करते हैं। ये दूसरे कीड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, एफिड्स हैं ये कीड़े हैं, ये एफिड्स नाम की गाय भैंस बोल रहे हैं, लेकिन एफिड्स को पालते हैं। क्यों? क्योंकि एफिड्स इनको एक हनी ड्यू अपने पिछवाड़े से, ये जो जिस टहनी पर बैठे हैं इसमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हनी ड्यू, ये जो कीड़ा है ये एफिड के ऊपर आके टैप करता है, ऑलमोस्ट तबला जैसा बजाता है, तो ये एफिड पीछे से अपने पिछवाड़े से हनीड्यू निकाल देता है, स्वीट थिंग ऑन विच दिस एंट डिपेंड्स ऑन। तो ये इनको इनकी रक्षा करते हैं। इनफैक्ट एक और स्टोरी है कि इनको खाने के लिए, वो आपके शायद होमवर्क में भी है, हमारे आशुतोष भाई ने डाली है, कि इनकी रक्षा करते हैं जैसे हम अपने गाय भैंसों की रक्षा करते हैं, कोई इनको खाने आ जाए तो ये कीड़े एफिड्स को बचाते हैं। ये कीड़ा है, ये इसके गाय भैंस पालतू जीव है, इनको बचाते हैं, इनके पंख काट देते हैं कई बार ताकि ये भागें, नहीं भागे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये इन सब चीजों के पीछे हमारा ध्यान जाना चाहिए। और तो इस तरह से एनिमल रियरिंग करते हैं हमारे कीड़े। ये कीड़े बड़े इंटरेस्टिंग है, ये काउंट करते हैं डेजर्ट्स में, ऑफन टाइम्स इतनी तेज हवा चलती है, कीड़े ऑफकोर्स एक दूसरे के पीछे कैसे पता चलता है, एक खुशबू फेंकते हैं, उसको देखकर बाकी कीड़े उनको फॉलो करते रहते हैं। डेजर्ट में हवा तेज है, खुशबू चली जाती है, तो ये पर्टिकुलर कीड़े डेजर्ट में है जो काउंटिंग करते हैं, अपने घर से वो खाना कहाँ पर है काउंट करते हुए चले जाएंगे, 10, वापस आते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और कैसे साइंटिस्ट ने पता चलाया? एक कीड़े की टांग लंबी कर दी, एक की छोटी कर दी, तो वो रास्ता भूल गया, क्योंकि उन्होंने गिनती करी, टांग लंबी हो गई तो डिस्टेंस बढ़ गया उतने स्टेप्स में, और वापस से जब टांग वापस से उनको उसमें डाला अपने घर में उनको उठाकर, तब उन्होंने पूरी करी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नेट पर आप देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है। और सबसे मजेदार चीज जो है बहुत ही सुंदर है, और उसका मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दैट वीडियो, और उससे जुड़ा हुआ फिर आपका सवाल आपके सामने आएगा। बड़ी सुंदर चीज है ये, आपको बताना है कि ये मधुमक्खी यहाँ पर क्या कर रही है, ऐसे लग रहा है कि नाच रही है लेकिन असल में कर क्या रही है। ये देखिए इस मधुमक्खी के ऊपर ध्यान दीजिए, ये बीच वाली, ओप्स, फिर से चला देते हैं, फिर से चला देते हैं, और ये आइटम पूल पे आपका सवाल आ चुका है, प्लीज जाकर देखिए। ये डांस करती हुई पहले ऊपर गई, पहले नीचे गई, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, ये आपका सवाल है। लेट्स गो टू आइटम पूल एंड लुक एट योर आंसर्स। व्हाट इज दिस, व्हाट आर दिस बीज डूइंग? दे आर अबाउट टू डाई फ्रॉम अ पेस्टिसाइड, दे आर कम्युनिकेटिंग अबाउट अ फूड सोर्स, इंप्रेसिंग अदर बीज फॉर मेटिंग, ऑफकोर्स डांस तो ज्यादातर इसीलिए कर रहे हैं, या डांसिंग इन अ पार्टी। बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं। सुंदर, चलिए उत्तर देख लेते हैं, और उत्तर ऑफ कोर्स ज्यादातर लोगों ने दे दिया वो यही है कि कम्युनिकेटिंग अबाउट द फूड सोर्स, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये अपना फूड सोर्स के बारे में बताती है। मैं आपको दिखाऊं, सो जिस दिशा में बी ने डांस करा ऐसे ऐसे करके गई और फिर वापस आ गई, इसका मतलब सूरज जो उनका मेन दिशा है उसको नॉर्थ मान लेंगे, तो उससे इस दिशा में इतने डिग्री अगर हम जाएंगे जिस दिशा में वो डांस कर रही है उस दिशा में आपको फूड सोर्स मिल जाएगा या पौधा मिल जाएगा। इस तरह से अगर बिल्कुल सीधे डांस कर रही है तो इसका मतलब सीधा बिल्कुल सूरज की दिशा में, 90 डिग्री पर डांस करके घूमी तो 90 डिग्री पर है, और इसी तरह से जिन भी एंगल पर वो डांस करती है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कितनी देर तक डांस करा, उससे पता चलता है दूरी कितनी है। अब बताइए क्या इंटरेस्टिंग चीज है, दिशा भी बता दी, वेक्टर कैलकुलेशन अगर मैं कहना चाहूं तो हमारी बीज करती है, ये भी बता दिया कितनी दूर है, ये भी बता दिया क्या दिशा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ वेक्टर डज, जो हम गणित में पढ़ते हैं। ये कीड़े, ये क्षुद्र कीड़े ये सब करने में सक्षम है, इनसे कहीं ना कहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी करते हैं, मैं अगर आपको 2 मिनट में दिखाऊं ये वाली स्क्रीन पर जो आपके सामने है, ये कीड़े, कुछ कीड़े, ये क्यों, एक कीड़ा है जिसके अंदर गियर्स हैं, अभी पाया गया ये वाला कीड़ा, मतलब अभी हम लोगों ने डिस्कवर करा कि इसके 2 गियर्स जो हैं ये एक साथ है, इसके पैर जब हिलते हैं। ये कीड़ा सैक्रिफिशियल कीड़ा है, यानी कि ये यहां पर देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी,
किस तरह से जब डेजर्ट में कहीं पर अगर इनका बिल है और उसको बिल का ढक्कन बंद करना हो तो अंदर से नहीं बंद होता, बाहर से बंद करना पड़ेगा। कौन जाकर बाहर से बिल बंद का ढक्कन बंद करेगा? जो बाहर से ढक्कन बंद करेगा उस बिल का, उसको बाहर ही रहना पड़ेगा और वो पूरी रात में मर जाएगा। एंड देर आर टू थ्री इंसेक्ट्स और मेनी यू नो फ्यू इंसेक्ट्स दैट स्टे आउटसाइड द बिल एवरी सिंगल नाइट टू क्लोज द डोर, सो दैट पूरी अंदर की जो कॉलोनी है वो सेफ रह सके। दिस इज द सेक्रीफाइस दैट यू नो दीज इंसेक्ट्स डू फॉर टू सेव देयर कॉलोनीज। इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार चीज है। और लास्ट में ये आपका जुड़ा हुआ सवाल भी आ रहा है, सुपर जंपर्स। कभी आपने आपने देखा होगा कि भाई हमारा रॉकेट जब उड़ता है तो एकदम तेजी से उड़ता है, और ये हमारा जो ग्रास हॉपर है ये देखिए कैसे उछलता है। इसकी एक फोटो है और इससे जुड़ा हुआ आपका सवाल भी है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हमारा ग्रास हॉपर कूदता है तो कितने एक्सेलरेशन से कूदता है? आइटम पूल का सवाल है और आइटम पूल में पहुंच जाते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन विद विच अ ग्रास हॉपर जंप्स, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज अबाउट 3G। आजकल 3G तो नहीं, 4G का जमाना है, हमारा रॉकेट 3 to 4G जाता है। लेकिन यहां पर देखते हैं ये जो ग्रास हॉपर है इसकी जी कितनी है, हाउ मेनी जीज इज दिस ग्रास हॉपर? मजेदार। चलिए कुछ समय है, देख लेते हैं। और मैं फिर जो लोग जुड़े हैं प्लीज होमवर्क जरूर जाकर, हमारे आशुतोष भाई बहुत समय लगाकर होमवर्क बनाते हैं, जो गौरव एंड आई आशुतोष वी सैट फॉर अ लॉन्ग टाइम क्रिएटेड दिस होमवर्क। वी वुड लाइक रियली फॉर ऑल ऑफ यू टू गो डू दिस होमवर्क एंड सेंड अस दी एंड डू लेट अस डू लेट अदर्स नो। सबको बताइए जहाँ भी मिले, अच्छा प्रोग्राम है, जाकर जरूर देखिए, रजिस्टर करिए एंड प्लीज गो टू द वेबसाइट। एंड ऑफ कोर्स वो जो हमने शुरू में बॉल दिखाई थी, इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड अस एन ईमेल। सीजन 2 एपिसोड 4 है, 4 है, भूल जाते हैं, एपिसोड 4। कीड़ों के ऊपर चर्चा, चलिए क्षुद्र प्राणियों के ऊपर चर्चा मुझे सबसे प्रिय है। आज मेरी अपने कॉलीग सरिता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा आपको ये आपका प्रिय टॉपिक है तो मजा आएगा, थैंक यू। सो चलिए उत्तर देखा, सबसे ज्यादा लोगों ने जो उत्तर दिया वो सही था, 3G है, और कुछ लोगों ने कहा 30G, वो भी सही है, 3 से 30G तक एक्सेलरेशन है। किस तरह से इसको हम करने की कोशिश करते हैं देख लेते हैं, चलिए। और उसको करने के लिए मैं आपको आईपैड में ले जाता हूं, यहीं पर इसी स्क्रीन पर। ये लगभग एक एक फ्रेम इज 0.1 सेकेंड, सो दिस इज 0.03 सेकेंड, राइट? एंड यू सी कितना ऊंचा उड़ गया, ये कीड़े की हाइट है, और इसको लगभग अगर हम 3 सेंटीमीटर मान ले यहां तक, क्योंकि नीचे से यहां तक गई तो हाफ उसका सेंटर ऑफ मास आधा गया, तो उसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं और 3 कर लेते हैं, और नीचे 0.03 सेकेंड्स टाइम्स 0.03 सेकेंड्स, क्योंकि ये उसकी स्पीड है और स्पीड को भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 0.03 टाइम्स 0.03। एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू लेटर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, बिकॉज वो अपन करते हैं ना हाफ जी टी स्क्वायर, एस डिस्टेंस इज हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसको करा तो 2s बाय ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद में ये बन जाएगा 6 बटे 0.03 टाइम्स 0.03, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 के 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर और पीछे 9, और ये 2 जीरो हटा देते हैं बिकॉज अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये अगर इसको लगभग 10 मान लें 9 की जगह 10, तो ये 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मैं कहूँ तो इसको पेन चेंज कर देता हूँ, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 6G। और कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बड़ी लंबी रिसर्च करी, कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी, आप जाकर देख सकते हैं, हम उसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी, उस कीड़े के ऊपर लेंस वगैरह लगाए और पीछे से वीडियो करके निकाला, तो उन्होंने पाया कि ये 30 से लेकर 100G तक का एक्सेलरेशन हमारा साधारण सा टिड्डा कर लेता है। The height that a tidda jumps is, you know, enormous times the height. क्यों हो पाता है? हम लोग इंसान तो अपनी हाइट का जितना ही ऊंचा कूद पाते हैं, ये टिड्डा कितना ऊंचा कूद पाता है? ये बुर्ज खलीफा जो हमने बनाया, हमें लगता है, चलिए वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको बुर्ज खलीफा वाली स्लाइड कहाँ गई, ये दिखा देते हैं। हमें लगता है हमने बहुत ऊंचा बुर्ज खलीफा बनाया, और इंसानों ने बुर्ज खलीफा बनाया, कितनी ऊंचाई है उसकी, 800 सम मीटर्स मान लेते हैं, और इंसान की ऊंचाई 1.5 मीटर्स, तो 15×5 75, सो ऑलमोस्ट 500 टाइम्स, राइट? वेयर एज दिस इज
ये जो माउंटेन है, ये एंट हिल है, ये 5 मीटर का है. और इंसान, और अगर आप पाएंगे, और इसमें अगर इफ यू डिवाइड दिस बाय द यू नो लेंथ ऑफ द क्या कहते हैं इंसेक्ट, अगर उसको 5 mm मान लें तो 0.5 सेंटीमीटर अगर कर दें तो ये लगभग 1000 टाइम्स आ जाएगा. सो ये जो एंट हिल बना ये 1000 गुना ज्यादा लंबा है कीड़ों के मुकाबले. यानी दे हैव मेड मच टॉलर बिल्डिंग कंपेयर टू व्हाट यू नो इन इन सम सेंस ह्यूमंस हैव मेड. सो दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग यू नो थिंग्स दैट वी सॉ. एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट स्टोरी इज दिस व्हिच आई केम टू नो यस्टरडे और डे बिफोर, व्हिच इज दिस अबाउट द इंसेक्ट. ये कीड़ा बड़ा दुखी करता है. ये कीड़ा जो वही है, साधारण कीड़ा है, मस्कीटो, जो मच्छर है जो काटता है. हमें लगता है क्या इसका एक डंक है, ये एक डंक नहीं है, इसके अंदर 6 डंक है. 1 2 3 4 5 6, ये छठा. और ये करता क्या है, एक डंक से एनेस्थीसिया लगाता है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. एंड समथिंग दैट वी कैन ऑफ कोर्स यू नो लर्न फ्रॉम. एंड देर इज रिसर्च दैट इज हैपनिंग कि किस तरह से पेनलेस इंजेक्शन इंसान लोग बना सके. एक डंक से एनेस्थीसिया लगाएगा, दूसरे 2 डंकों से वो खाल को खोलता है, तीसरे डंक अंदर डालता है, चौथे से खून पीता है, और एक से बंद करने के लिए यू नो स्ट्रॉ कुछ बन जाती है. बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है. 6 डंक होते हैं छोटे से उसमें. एंड इमेजिन इफ वी कैन यू नो यूज सम ऑफ दिस बायोमिमिक्री टू क्रिएट इंटरेस्टिंग यू नो मेडिकल डिवाइसेज यू नो विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. और कुछ लोगों ने कॉकरोच को लेकर इंटरेस्टिंग रोबोट्स बनाए. ये सारी चर्चाएं करें तो ये हमने देखा कि किस तरह से कीड़ों की जिंदगियां खुद में ही इतनी रंगीन है. तो आगे बढ़ के अब देखते हैं कि फिर क्या. तो क्या बहुत अच्छी बात है, रंगीन तो इसका हमारे से क्या हमारा. ऑफकोर्स हमने ये देखा कि किस तरह से इनका फायदा है, किस तरह से इनकी जिंदगी रंगीन है. तो इनकी जिंदगी में इतनी तबाही कैसे मची, किसने मचाई. और ये शायद आपका, अगर मैं सवाल आपको पूछूं तो शायद आपको उत्तर मालूम होगा. विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इफ यू कैन आस्क. और आइटम पुल पे भी है, वहां पर जाकर आप जवाब डाल सकते हैं. आइटम पुल पर सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल. और अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, अगले 10 मिनट मैं सिर्फ इसी बात के ऊपर चर्चा करूंगा जो मुझे सबसे प्रिय है. कहीं ना कहीं हमें अपनी ऊपर, अपने गिरबान में जाकर देखना पड़ेगा. इफ वी रियलाइज दैट इंसेक्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, हाउ इज इट दैट 80% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज आर गॉन. द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग. मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चार्ट कहां गया हमारा. लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट, एक सेकेंड. Switch on to iPad. The rate of extinction of species is just amazing. ये this is the rate of extinction of species. 1900 से अगर आप देखना चाहें तो ये exponentially बढ़ रहा है. इतनी species extinct हो रही हैं. और शुरू में नहीं था, इतनी species हमारी extinct हो रही हैं. और ये देखिए तो और भी पता चलता है, इंसान यहां पर आया और species extinct चालू होना चालू हुई. ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आया और कुछ ही समय में species खत्म हो गई. नॉर्थ अमेरिका में यहां पर आए और स्पीशीज खत्म हो रही हैं. मेडागास्कर में जहां पर आए खत्म हो गया. अफ्रीका में ऑफकोर्स काफी पहले, सबसे पहले इंसान आया, वहां पर एक्सटिंक्शन का रेट सबसे कम है. और कहीं ना कहीं ये बात ये भी दिखाता है कि एक्सटिंक्शन, अगर हमारी स्पीशीज, इंसेक्ट स्पीशीज को अगर खतरा है तो किस लिए खतरा है, इंसान के कारण. इंसान ऐसा नहीं है, इंसान के रिसोर्स कंजम्पशन के कारण है. जितना रिसोर्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसके कारण पूरा, अगर इनका यू नो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है. हवा खराब हो रही है जहां पर इंसान, ये कीड़े रहते हैं. हमारे लिए भी जमीन खराब हो रही है. हम डालते हैं इंसेक्टिसाइड, इनफैक्ट नाम है इंसेक्टिसाइड पर है असली में आर्थ्रोपोडा साइड. मतलब इंसेक्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस स्पीशीज को, फैमिली कॉल आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं. तो इंसेक्ट ही नहीं, कितने ही, जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस स्पाइडर इज नॉट अ यू नो इफ आई कैन कॉल स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट. स्पाइडर इज एरेक्निडा. अपरेंटली मुझे कुछ 10वीं की अपनी चीजें याद आ रही है. मुझे लग रहा है बायोलॉजी वाले लोग काफी खुश होंगे. तो जिस तरह से हमने इंसेक्टिसाइड डाली तो पूरी धरती का विनाश हुआ. जिस तरह से पानी में हम लोगों ने रन ऑफ के कारण पानी खत्म हुआ, जिस तरह से रिसोर्स कंजम्पशन हुआ, कार्बन बढ़ी, तो पूरे ऑल द हैबिटेट इज बींग डिस्ट्रॉयड बिकॉज we are consuming too much. And in fact this is a beautiful slide you know that I wanted to share with you. agar hum is tarah se rehte rahe, agar hum is tarah se rahe aur sab log barabar ki you know and something sometimes it's interesting, hum bolte hain insaan sabse dangerous animal, kuch insaan zyada dangerous hai agar aisa keh paye to. sab insaan barabar consume nahi kar rahe hain dharti par,
इफ एवरीबडी स्टार्टेड टू लिव लाइक पीपल लिव इन द वेस्ट, ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 2018 उनकी सोर्स से लिए हमने, तो 5 धरतियां चाहिए। मैं आपको आईपैड में दिखा देता हूं, अगर धरती इस तरह से इंसान रहना चाहे तो इतनी रिसोर्सेज हम कंज्यूम करेंगे कि 5 धरतियां चाहे, इंग्लैंड के तरीके से रहना चाहे तो 2.8 3 धरतियां चाहे, चाइना की तरह 2, नाइजीरिया के लिए 1, लेकिन भारत के जैसे अगर रहना चाहे तो ताली बजा लीजिए अपने लीजिए। We should all clap for ourselves. Everybody tries to live like we live in India. Then we will need 0.7 earth. यानी धरती पर इतनी जगह है कि सब लोग रह सकते हैं। वो तब जब we live for every only our need and क्या वो जो गांधी जी कह गए थे मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम अपनी resources को ध्यान में रखकर रहें, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, I think that will summarize मुझे बचपन, और कहीं ना कहीं हमें अपनी कन्वीनियंस और सहूलियत के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और ये कहानी के मैं मुझे बहुत प्रिय है और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बचपन की काफ़ी यादें हैं गर्मियों की, हम सभी वो वैसा समय था जब माँ बाप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के यहाँ भेज कर बड़े खुश होते थे, और बच्चे उनसे भी ज़्यादा खुश। नो आईपैड, नो टीवी, नो खिलौने, नो प्लास्टिक के खिलौने, नथिंग, आप अपनी जो खिलौना बनाइए, और नहीं आपको बोर हो रहे हैं तो दीवार में सर मारिए। And that was a very clear diktat. आपका मन नहीं लग रहा है तो हम क्या करें, अपना मन लगाइए। एनी वे द पॉइंट इज दैट आई एम ट्राइंग टू मेक देयर इज आई रिमेंबर इन द गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता था कि हम लोग ऑफकोर्स हापुड़ की गर्मियाँ काफ़ी गर्म हैं और पानी नहीं आता था उस समय नलों में, तो नहाने के लिए स्नान करने के लिए पानी हैंडपम्प से खींच के लाना पड़ता है। कल्पना करिए, एक बाल्टी खींच कर लाते थे 9 बच्चे उसमें स्नान कर लेते थे, और इसलिए नहीं, 1 या 2 बाल्टी मुझे याद नहीं है, इसलिए नहीं कि हम गंदगी में रहते थे दिस दैट व्हाटएवर, नहीं, क्योंकि हाथ से खींच कर लाना पड़ेगा तो 1 बाल्टी में स्नान हो जाएगा। आज की तारीख में अगर 9 बच्चे वहां पर इकट्ठे हो जाए तो 100 बाल्टियां खत्म हो जाएंगे। सो पानी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इट हैज बिकम सो कन्वीनियंट, वी डोंट रिमेंबर, वी विल स्विच ऑन द टैप और वो पानी चल रहा है, हमको मालूम भी नहीं क्यों और कैसे आया। तो कहीं ना कहीं हमारी आराम तलबी, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड कन्वीनियंस, आई एम नॉट सेइंग कि पानी हमारे घर में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। And as human beings, we are very, convenient people, right? हमको तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? इतना ज्यादा जहरीला साबुन उसमें वो क्या वो डालते हैं, वो क्लोरीन ब्लीच डाल देते हैं क्योंकि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। हम खूब ऐसा साबुन डालेंगे, वो साबुन कीड़ों को तो आपके रंग को तो हटाएगा ही, लेकिन जब वो पानी में जाएगा तो वहां की सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। That is what is happening to our rivers. एंड मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ये जो कमीज आप मेरी देखते हो ये 17 साल पुरानी कमीज है, और क्योंकि मैंने कुछ समय पहले 5 साल और कभी जब हम बग्स के ऊपर चर्चा करें, बग्स तो आज हो गए लेकिन जब हम जर्म्स और फूड के ऊपर चर्चा करेंगे तब इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से हमने छोटे छोटे जर्म्स के ऊपर, मैंने कुछ समय पहले क्या हमें इतना साबुन लगाना छोड़ दिया था, बट क्या इतना साबुन जो हम अपने कपड़ों में लगाते हैं, ऐसे लोग जो मिट्टी में जाकर काम भी नहीं करते हैं, क्या इतना जरूरत है, इतना ज्यादा अपने शरीरों पर क्या इतनी ज्यादा चीजें लाने की जरूरत है? कहीं ना कहीं आर रिसोर्स consumption is the reason, in if I can sort of use that word. Very interesting एक कहानी, एक फिल्म बनाई, story of stuff, अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर, अंग्रेजी में हिंदी में भी डब कर दिए, कहीं ना कहीं वो एक बहुत खूबसूरत बात कह के गई एनी लेनर्ड की, ये गीला कचरा और ये सब तो हम जो करते हैं वो करना ही चाहिए, बिल्कुल, वी हैव टू मेक श्योर दैट आर गार्बेज इज डेग्रीगेटेड एंड डिस्पोजल एंड एवरीथिंग हैपन्स, बट द मेन प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग दैट वी आर इन दिस सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, इतनी प्रजातियां जो नष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल अगर किसी ठिकाने पर है, सबसे बड़ा अगर उसका अगर मैं अगर कहें तो अगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं कि इतने कंजम्पशन करने से हमें 5 धरतियां चालू होंगी, और भारत में सो समवेयर वी विल हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स, और बाकी जो चीज़ें होंगी समाज करेंगी, सरकारें करेंगी, देश करेंगे, वो तो अलग है, कहीं ना कहीं खुद हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अपनी इन पैटर्न्स के प्रति अवेयर हो सकते हैं, क्या इनके प्रति अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, और फिर किस तरह से हम इनको अपने आचरण में लाएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है आज का जो हमने ये छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर बात करी, हल्की सी कुछ होती है फ्लिक लगा दी, ऑल आउट, मच्छरदानी वर्सेस ऑल आउट, लेट मी शो यू दैट पिक्चर, आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल, गौरव भाई ने ये बनाई थी, बड़ी सुंदर कहानी है। मच्छर सभी को काटते हैं, मच्छर नहीं काटने चाहिए, काफी बीमारियां पड़ती हैं, लेकिन क्या यही ऑप्शन है हमारे पास, क्या यही ऑप्शन है, इज दिस द राइट ऑप्शन और इज दिस द रॉन्ग ऑप्शन, ये भी तो हमारे पास ऑप्शन है, एक जमाने में तो ये था,
और कभी हमें अपनी सेहत के ऊपर नहीं ध्यान जाता है, हमें लगता है कि ये फटाफट बटन दबाया, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, पढ़ के देख लीजिए, उस पर लिखा रहता है, वो एक वो खोपड़ी बनी रहती है और उस पर हड्डियां बनी रहती हैं, जहर, और वो जहर रोज रात को हम अपने घर में उसको जला कर डालते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी नाक में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, और कहीं ना कहीं कन्वीनियंस जो हमने ये देखी उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग व्हाट वी डू और नॉट, ये आई नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन लुक एट यू नो अवर रिसोर्स कंसर्न। होपफुली होपफुली आज के बाद आपको अगर कोई देखे तो आपको ये बोले कि ये जो चिड़िया थी ये तो बेकार थी, इसको चिड़िया, या ये जो स्पाइडर थी ये यूजलेस है, इसको हटाओ, ये मधुमक्खी ततैया काट लेते हैं, इनको भगाओ, इनके ऊपर फ्लिट डाल दो, मधुमक्खी के छत्ते तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आई थिंक वी विल हैव टू एटलीस्ट आफ्टर दिस एपिसोड रियलाइज दैट किस तरह से इनका हमारी जिंदगी में, हमारे अस्तित्व में इतना बड़ा योगदान है, एंड इनकी जिंदगियां इतनी रोचक हैं, इनको हम पढ़ेंगे तो अपने लिए कुछ और अच्छा कर पाएंगे। सो होपफुली आई हैव बीन एबल टू यू नो इफ नॉट शेड सम लाइट, हमारी छोटी चीजों के प्रति, छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता हो जाए, किस तरह से उनके बारे में हम जान पाएं और फिर अपने आचरण में तब्दील हो जाए। सो विद दैट आई विल एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।